हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसमें क्या कहता है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर एंड विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड एट अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8। मतलब स्टेडी वैल्यू मतलब क्या, फिक्स हो गई वैल्यू, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद एट इतना। वट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर, स्टेडी मतलब बाद में जो टेम्परेचर हुआ है फिक्स वो कितना है ऑफ एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर इज दिस। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको पता चल रहा होगा कि वो टेम्परेचर कह रहा है आपको, वट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर, मतलब बाद वाला टेम्परेचर जिस पे वो स्टेडी वैल्यू बोल रहा है ना, बाद में हुई है स्टेडी वैल्यू करंट की 2.8, तो बाद वाला ही टेम्परेचर की बात कर रहा है वो, फाइनल टेम्परेचर की बात कर रहा है। लेकिन आपको जो फॉर्मूला पता है वो तो रेजिस्टेंसेज वाला पता है, यहाँ तो रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, करंट की बात हो रही है, फिर कैसे होगा? तो बहुत सिंपल है, उसने देखो वोल्टेज दी हुई है ना, वो वोल्टेज दी हुई है, करंट दिए हुए हैं, दो तो रेजिस्टेंस निकल जाएंगे। देखो कैसे निकलेंगे, देखो V का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, IR होता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें ये बात करते हैं 3.2 एम्पियर वाली, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर जो करंट है इनिशियल वो है 3.2 एम्पियर और जो फाइनल करंट है वो कितना है 2.8 एम्पियर है, ये बात ध्यान में रहेगी, ठीक है। अब देखो V का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल लें तो देखो V इज इक्वल टू में I0 R0। V फिक्स रहने वाला है, क्यों रहने वाला है, 230 वोल्ट पे कनेक्टेड है अगर, तो वो तो कम ज़्यादा हो नहीं रही है, ठीक है। करंट कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहा होगा, सीधी सी बात है, तभी करंट कम हुआ होगा, तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट कम हो रहा है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हुआ होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वोल्टेज का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो V इज इक्वल टू में I0 R0 है, तो R0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से V/I0, तो देखो R0 की वैल्यू निकालते हैं, देखो V कितना है 230 है, I0 कितना है हमारे पास 3.2 मतलब 32/10 और वो 10 ऊपर चला जाएगा, यही मतलब है, ठीक है। इसको देख लो जरा, किसी और पे ये कटता है तो देखो यहाँ से कट करते हैं इसको, 2 1 2 2 6 12 और ये 2 1 2 2 1 2 2 5 10, क्लियर। अब देखो किसी और पे जाता है क्या, नहीं आगे तो कहीं नहीं जा रहा ये, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 1150/16। अब देखो ये जा सकता है, देखो यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ भी मैं कट कर सकता था इसको 2 5 2 8, ठीक है, चलो यहाँ कर देते हैं, कोई बात नहीं दोबारा, क्योंकि देखो जीरो यहाँ लगी ना तो आइडिया आया कि हाँ ये भी इवन है तो ये 2 पे जा सकता है, और ये वाला 16 है तो ये क्या है, यहाँ पर 2 से जा ही रहा था, ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़ें या नहीं, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपके पास 2 5 10, 2 7 14 और 1 0 2 5 10 और ये 2 8 16, 5 7 5/8, ये फर्दर जाता है किसी पे, नहीं अब नहीं जाता, ये देख लो इधर ओड है और ये 2 वाला तो सिस्टम बनेगा ही नहीं, क्योंकि 8 तो 2 पे जाता है लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि ये ओड नंबर है लास्ट में, ठीक है। अब इसको पॉइंटों में करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखो, और बाद में समझ में आ जाएगा क्यों ऐसे ही रखा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल रेजिस्टेंस की, तो फाइनल कैसे निकलेगा, IR, तो R की वैल्यू होगी V/I, तो देखो R V की वैल्यू है 230 और फाइनल जो करंट है वो कितना था हमारे पास 2.8, तो 2.8 का 10 तो वो ऊपर लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको भी करते हैं, 2 1 2 1 2 5 2 1 2 4 8, उसके बाद देखो ज़रा ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो इसको भी 1150 और ये है नीचे 14, तो ये भी जाएगा 2 पे, इधर 0 है, 0 वाले 2 पे जा सकते हैं और नीचे भी इवन है आपके पास तो 2 पे जाएगा, 2 5 10, 2 5 10 एंड 2 7 14 एंड अगेन 2 5 10 एंड 2 7 14, तो ये आ गया 5 7 5/7, क्लियर। तो रेजिस्टेंसेस हमें पता चल गए, ठीक है। अब रेजिस्टेंसेस अगर पता चल गए तो टी तो आपको आता ही है निकालना, बस इसमें मेन क्या था फंडा, रेजिस्टेंस वाला ही था, तो बस रेजिस्टेंस अगर आपको पता चल गया तो फिर तो कुछ टेंशन है ही नहीं है, ठीक है। तो बता दो अब जरा फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है, याद है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस वाला टॉपिक, ठीक है। चलो जिसको नहीं याद है वो देख लेना एक बार, तो R इज इक्वल टू में आपके पास फॉर्मूला होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था डेल्टा टी को यहाँ ये नहीं लिखना T-T0, इसी में नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, पहले हम डेल्टा टी निकाल लेंगे, फिर डेल्टा टी जब निकल जाएगा तो डेल्टा टी का फॉर्मूला होता है T-T0, ठीक है ना, और यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी Δt+T0, ये यहाँ कर देंगे हम लास्ट में आके, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास क्या फंडा है, डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो डेल्टा टी की वैल्यू के लिए देखो हमारे पास आर भी है, आर नॉट भी है, अल्फा भी है, बस निकल जाएगा फिर, तो आर की वैल्यू देखो कितनी है, आर की वैल्यू है आपके पास 5 75/7 और आर नॉट की है 5 75/8 और ये 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 1.7 × 10⁻⁴ और साथ में डेल्टा टी। देखो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, देखो कैसे, देखो इधर 575 इधर भी 575, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये वाला नीचे आएगा,
और ये 8 ऊपर जाएगा, तो 575 से 575 कैंसिल होगा, तो मैं इसको यहीं कर देता हूँ इस तरीके से, ये कैंसिल हो गया और ये 8 इधर जाएगा, तो 8 बाय 7 क्लियर इज इक्वल टू में 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डेल्टा टी, और ये 1 इधर प्लस का इधर जाके माइनस होगा, तो 8 बाय 7 माइनस 1 1.7 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 डेल्टा टी, क्लियर हो रहा है। LCM ले लो, 7 LCM आएगा इधर, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू में 1.7, अभी LCM वगैरह तो लेने आते होंगे, छोटी क्लासेस का ही काम है, 1/7 है ठीक है, और ये 1.7 इधर जाएगा और 1.7 का हम 10 लगाएंगे नीचे तो वो ऊपर चला जाएगा, और इनटू में क्या है इधर 10 की पावर माइनस 4 और ये है डेल्टा टी इधर, समझ रहे हो ना, इधर मल्टीप्लाई में चीज़ थी इधर जाके ये डिवाइड में आ गई इसके नीचे, ठीक है इस तरीके से, क्लियर। अब देखो ये 10 की पावर जो माइनस 4 है ऊपर जाके प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस का 4 और ये कि ये पावर यहाँ पहले से ही है, तो 10 की पावर 5 बन जाएगी ये, ठीक है ना, माइनस 4 10 की पावर 4 प्लस की हो गई और एक पावर ये है तो 5 हो गई टोटल, और 17 का कितना होता है आपके पास 119 डेल्टा टी, और 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 1 के आगे कितनी जीरोस बताओ, कहीं बच्चों को नहीं लगता 10 के आगे 5 जीरोस होंगी, तो ऐसा नहीं होता, 1 के आगे 5 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 अपॉन में 119। अब यार इसको आप लोग कर लेना खुद ही डिवाइड, ठीक है मैं आंसर लिखता हूँ यहाँ पर, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 840.3 डेल्टा टी आएगा, ठीक। अब डेल्टा टी ये आ गया तो यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आई जाएगी, देखो टी की वैल्यू क्या, डेल्टा टी कितना है 840.3 प्लस, और टी नोट कितना था हमारे पास, देखो टी नोट कितना दिया हुआ था यहाँ, व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हेलमेट इफ रूम टेम्परेचर इज इतना, मतलब ये क्या था आपके पास इनिशियल टेम्परेचर था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी नोट था आपके पास 27 डिग्री सी, तो ये 27 है तो यहाँ 27 कर दो, कितना होगा ऐड कर लो इनको ज़रा, कितना आ जाएगा देखो, ये 0.3 है 7 4 और ये 2 + 6 8 867.3 डिग्री सेल्सियस टी की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट करो, क्लियर, ओके, थैंक यू।